गाइस हम हो गए हैं रेडी शादी वाले घर जाने के लिए। आज है बंदोला, दूल्हे राजा बंदोले जीम रहे हैं, हम लोग तो ऐसे बैठे बैठे जा रहे हैं, बोर हो रहे हैं यहाँ पे। अभी हम वेट कर रहे हैं मेरे भैया का, जो कि आएंगे ड्यूटी से, फिर हम जाएंगे चारों ही मिलके। पहनी है ये वाली वेशभूषा और एसपीजी। कहाँ गायब हो गए? देखती हूँ तब तक गायब हो जाते हैं। ये वाली ड्रेस चलते हैं। इसने कितना वेट करवाया, हम कैसे बताएं? फाइनली पधारी आप। ओ भंग लियो थर्ड लाइन गाड़ी आ रही है भाई, ये तो गुड्डो भंग नाल गाड़ी। देखो एक तो बेटा आते हैं ऊपर से, देखो भलाई का तो जमाना ही नहीं है। भलाई जमाना बेटा पहला ही कोनी हो। तुम लोग लेट आए, हम लोग फंस गए पता है कहां। ये है शादी वाला घर, हम लोग पहुंच गए हैं और अभी हमारा बनोड़ा बदाएंगे। मिले परी से मिले हो, अच्छा लगा आपको? हेलो गाइस, बोलो नाम बताओ। भव्या ऐसे बोलो, हेलो गाइस मेरा नाम भव्या है। बोलो बेटा, देखो आप कितने क्यूट आ रहे हो उसमें। इसको शर्म आ रही है। ये मिल गई मुझे आज दूसरी परी। परी हेलो बोलो। हेलो हेलो परी, हेलो परी। हाँ मुझे नन्हे नन्हे बच्चों के साथ में खेलना बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने दीदी के मेहंदी लगाई, क्योंकि मुझे इतनी मेहंदी बनानी नहीं आती है। और एसपीजी गए थे दूल्हे राजा के साथ कहीं पे बंदोला जीमने के लिए, तो हम लोग टाइम पास कर रहे थे ऐसे ही। तो दूसरे दिन नाइट में हम पहुंच जाते हैं दुल्हन के घर, और वहाँ पे मैं जा रही हूँ दुल्हन को रेडी करने के लिए। वैसे ये मेरी फ्रेंड है इसलिए मैं गई थी, सबसे पहले तो वहाँ जाके खाना खाया, दुल्हन को मैंने रेडी कर दिया था। और ये दुल्हन के भाभी जी है जो इनको गोल्ड की ज्वेलरी पहना रहे हैं। रानी कलर की पोशाक के साथ इस मेहंदी का कलर तो और भी ज्यादा खिल के आ रहा है, और इस मेहंदी की डिजाइन भी बहुत ब्यूटीफुल लगी मुझे। तो आज वहाँ दूल्हे राजा के घर पे भी डीजे नाइट है, तो हमें वहाँ पे भी जाना है, इसलिए मैंने दुल्हन को फटाफट से रेडी कर दिया और फिर हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। और इन्होंने खूब बोला कि आप यहाँ पे डांस करके जाओ, पर हम लोग ऐसे ही निकल गए खाना वाना खा के इनको रेडी कर। और बाहर तो धूमधाम से डीजे भी शुरू हो गया है और इनको जल्दी लगी है कि आप चलो मेरे साथ वहाँ पे थोड़ा सा डांस कर लो, पर हम बिना डांस किए ही आ गए और एक दो फोटोज ही खिंचवाई। बस देखो हमारी दुल्हनिया कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। हम रास्ता भटक गए हैं रात को, और मैं आई थी दुल्हन को रेडी करने के लिए, और अभी जा रहे हैं दूल्हे राजा के घर पे, पता नहीं कब पहुंचेंगे। और मैंने इन दो प्राणियों को भी फंसा लिया है मेरे साथ में। ये एक मेरा भाई और ये मेरे प्रिय पति देव। पता नहीं कौन से रास्ते लेके जा रहे हैं। देखो आप हमको कहाँ बजा दिए मेरे भैया। गाइस हम दोरों में फंस गए हैं। बजा दिया है, ये है विसरणिया। पता नहीं कौन सा विसरणिया, गांव का नाम भी नहीं पता, कोई एंजॉय नहीं कर रहे हैं, गांव का नाम भी नहीं पता और यहाँ पे फंस गए हैं रात को। हे भगवान प्लीज बचा लो। के 1 बजे अभी हम पहुंचे चौटन, सारी दुकानें बंद दिख रही है मुझे। पर हमें क्या लेना देना दुकानों से, जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ का प्रोग्राम खत्म ना हो बस। बाबू नहीं चला जाएगा। कोई बात नहीं, चला जाएगा तो। यहाँ से हम लोगों को फोन भी खूब आए कि यहाँ पे प्रोग्राम खत्म होने वाला है, आप लोग जल्दी आओ, पर हम लोग 1 बजे तक पहुँचे थे और तब तक भी यहाँ का प्रोग्राम चालू था। मुझे तो ऐसा ही लगा कि सारी लेडीज मेरे आने का और डांस करने का ही वेट कर रही थी। जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंची तो सबने बोला कि नहीं नहीं आप जाओ और डांस करो। मुझे जुकाम हो रखा था और बुखार भी आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा मूड कम था मेरा डांस करने का, इसलिए मैंने एक दो डांस ही किया और फिर मैं बैठ गई। तो हम लोग इधर उधर भटक भटक के इतने परेशान हो गए थे, थक गए थे, ऊपर से हम दोनों को बुखार भी आ रहा था, मन कर रहा था कि जाके आराम कर ले सो जाए। पर हम लोगों ने लास्ट तक इनका प्रोग्राम देखा और जब प्रोग्राम खत्म हुआ तब हम लोग घर आ गए। हम लोग आ गए थे खाना खा के वापस रूम, और अभी हमें वापस बुला लिया है कि वापस आओ। क्यों आना है? क्योंकि दूल्हे राजा की मेहंदी लगवानी है, और हमने पहले आनाकानी की थी कि क्या पता कोई लगा देगा। अभी हमें वापस जाना पड़ रहा है, मैंने ड्रेस फिर से पहनी है।
चलते हैं अभी वापस, वहां जाके आपको मिलवाते हैं उनसे जिन्होंने वापस बुलाया है। हमारी तो किस्मत ही खराब है, जहाँ पे गाड़ी पार्क की थी वहां पे गाड़ी भी फंस गई और हम फाइनली पहुंच गए हैं दूल्हे राजा के यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे रिवाज है कि सबसे पहले तो जो मेहंदी होगी वो देवी देवताओं को चढ़ेगी, उसके बाद जो दूल्हे की भाभी होती है वो दूल्हे की जो छोटी वाली अंगुली होती है उसके ऊपर मेहंदी लगाती है, उसके बाद हम कोई भी दूल्हे के मेहंदी लगा सकते हैं। सच बताऊं मैंने तो एक दो डिजाइन देख ली थी जो कि बहुत ही ज्यादा इजी थी, तो मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले तो हम राइट हैंड में एक गोला बनाएंगे, इस गोले को हमें खाली रखना है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं भूल ना जाऊं इसको खाली रखना। गोला बना के इसके ऊपर मैं फ्लावर वाली डिजाइन बना रही हूं जो कि फटाफट बन भी जाएगी और अच्छी भी लगेगी। एक बात बताऊं, एक तो चाय बनाना और दूसरा मेहंदी लगाना कभी मत सीखना, क्योंकि ये दोनों चीजें मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, इसलिए मुझे पता है, आप लोगों को बता रही हूँ, मैं हमेशा इन दोनों चीजों के बीच में फंस जाती हूँ। हाथ के तो मेहंदी लगा दी, अब दूसरे हाथ की मेहंदी शुरू की है और ये वाली डिजाइन भी मैंने गूगल से कॉपी की है, बनेगी तो पता नहीं कैसे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक ऑक्टोपस बना दिया और उसके सामने भी एक ऑक्टोपस बना दिया है और इसके बीचों बीच मैंने दूल्हे और दुल्हन का नाम लिख दिया है। इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं शादी वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो कर दीजिए लाइक, टेक केयर।